अगर हम हमारे चुनौती की बात करें तो साइज सच में मायने रखती है। जहाँ किसी को बड़ा हिस्सा मिलेगा वही किसी और को छोटा। किस्मत किसका साथ देगी, आइए इसी वक्त पता लगाते हैं। मुझे सबसे छोटा प्लेट मिल गया, लेकिन शायद ये ठीक ही हुआ क्योंकि इसमें मिर्च है। कितना छोटा है पर तभी भी मुझे डर लग रहा है। कितना बुरा, कितना तीखा है। उफ, अच्छा है कि मेरे पास में पानी है। कुछ मुझे बता रही है कि मेरा हिस्सा कुछ अच्छा नहीं है। इसके बारे में बस एक ही बात ठीक है कि यह मेरे कपड़ों से मेल खा रहा है। ओह, और मैं जानती हूँ कि इसे कम तीखा कैसे बनाया जा सकता है। मुझे शहद की जरूरत है, बहुत सारा शहद। वाह, यह मैंने क्यों नहीं सोचा। शुरुआत तो अच्छी है लेकिन अब काफी तीखा लग रहा है। चिंता मत करो, पानी बचा हुआ है। धन्यवाद जेस, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। अब मैं ही बाकी हूँ। ओह, यह तो बहुत बड़ा है, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं इसे नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं करती हूँ, कहीं मैं जल ना जाऊं। अगर जल गई तो, अरे नहीं, पानी खत्म हो गया। अच्छा है कि एक आग बुझाने वाली मशीन है मेरे पास। मैं इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुई थी, फोम में ढक करके। धन्यवाद दोस्तों, इस बार मुझे पहले जाना है। एक किटकैट, यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? इसे तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखना मुश्किल है। ठीक है, मैं खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन अफसोस यह तो बेकार कॉम्बो है। इसका मतलब है कि मेरे लिए इससे बड़ा किटकैट इंतजार कर रहा होगा। वाह, इसमें तो बहुत सारे हैं। सुनो, तुम्हें बांटना सीखना होगा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने अपना खा लिया है, कितना अच्छा है, लेकिन एक चॉकलेट बार काफी नहीं है। लगता है कि तुम्हें अपना चॉकलेट बहुत पसंद आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़े ले लूँ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। एमा, मैं देख सकती हूँ तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। और यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सारे कैंडी बार कहाँ गए? तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। माफ करना कैटी, मैं उसे रोक नहीं पाई। अरे, मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता, यह रहा किटकैट। वाह, कितना बड़ा है। मुझे पता है किस्मत मेरा साथ देती है। इसे काटने के लिए मुझे चेन शॉ की जरूरत होगी। हो गया, अब आखिरकार मैं खा सकती हूँ। दोनों टुकड़े बहुत ही स्वादिष्ट है। अफसोस है, ये जल्दी खत्म हो गया। तुम्हें सच में सोच समझ कर खाना चाहिए। लगता है फिर से पहले मेरी बारी। हॉट डॉग, ये अच्छा रहेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें किसी चीज की कमी है। केचप। चलो फिर से खाती हूँ, अब बहुत ही बेहतर है। अच्छा आइडिया है, काश मुझे भी हॉट डॉग मिले। वाह, कितना बड़ा है, यह मुझे बहुत पसंद आया।
और स्वादिष्ट भी लग रहा है। एमा सही कह रही थी, सच में इसका स्वाद बहुत अच्छा है, पर फिर भी मैं इसमें सॉस डालूंगी। मेरा चेहरा हर जगह लग गया। तुम्हें अपना काम और ध्यान से करना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी भूल को ना दोहराऊं। इतना बड़ा हॉट डॉग, सपने सच में सच होते हैं। मेरा दिल धड़कना ही बंद कर देगा। मुझे कितनी जलन हो रही है। तुमने कहा यह केचप के साथ बेहतर होगा, तब मैं इसमें और डालती हूँ। इसे आधे में काटती हूँ कि खाने में आसान हो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मुंह में पानी आ गया। यह सब कुछ ज्यादा ही अच्छे से जा रहा है। चलो इसमें कुछ टबैस्को डालती हूँ। बढ़िया आइडिया है जेस। चलो देखते हैं इसके बारे में उसे क्या कहना है। ओ, यह अलग सा है। मेरा मतलब बुरा नहीं है, तुम्हें चाहिए जेस? हाँ बिल्कुल। ओह कितना तीखा है। हाँ इसलिए तुम्हें इसमें टबैस्को नहीं डालना चाहिए था। आखिरकार शुरू करने की बारी अब मेरी है। सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। इस आँख को तो एक टेबल टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे खा भी सकते हैं। मजेदार और स्वादिष्ट। अब मेरी बारी। वाह इतने सारे गमी आंखें एक साथ, सारे कितने स्वादिष्ट है। जैस ने तो मेरी भूख ही मिटा दी। माफ करना एमा, मैं तो बस उन आंखों का मजा ले रही थी। मुझे क्या हो रहा है? वाओ तुम्हें इतने सारे आंखें मिले जो एक ही साथ खुल गए हैं। शुक्र है कि सब खत्म हो गए। हाँ बेहतर होगा कि ऐसा मेरे साथ ना हो। वाह यह तो बहुत बड़ी आंख है और कितना भारी है। एमा हमें डराना बंद करो। माफ करना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे नहीं मेरे दांत फंस गए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं गिर रही हूँ, मुझे चोट लग गई। हाँ यह सब उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर से पहले मेरी बारी। ब्रोकली यह कुछ अच्छा नहीं है, मुझे यह नहीं खाना। मुझे इतना ज्यादा क्यों मिला है? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वह कितना गंदा होगा। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? अरे नहीं जैसा मैंने सोचा था उससे भी बुरा है यह। इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। कितना सुंदर। अरे केटी यह लो यह तुम्हारे लिए। कितना प्यारा, धन्यवाद। लेकिन रुको ये तो ब्रोकली है। उपहार वापस करना अच्छी बात नहीं होती है। अब तो मुझे सोच कर ही डर लग रहा है कि मेरे लिए क्या होगा। अरे बाप रे मुझे नहीं पता था कि सब्जियां इतनी बड़ी हो सकती हैं। मुझे शुभकामनाएं दो दोस्त। हाँ हाँ शुरू करो। सच में उतना बुरा नहीं है। मुझे तो यह पसंद आ रहा है। जैस लग रहा है कि तुम खुद एक ब्रोकली में बदल रही हो। हमारी दोस्त अब एक ब्रोकली है। वाह मुझे अब कुछ अच्छा चाहिए। चॉकलेट यह सही रहेगा। ओह एकदम सही आकार भी है। वाह बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। धन्यवाद एमा।
अब मेरी बारी। वाह, यह तो छोटे चॉकलेट बीट्स की तरह है। यह मुझे पुकार रहे हैं। इसके बारे में सोचना तक नहीं जैस, यह कैंडी मेरे हैं। यह इतने अच्छे हैं कि एक खाकर रोक ही नहीं सकते, सारे खाने होंगे। अब तुम्हारी बारी है एमा। कुछ भी नहीं, यह कैसे मुमकिन है? सच में कुछ भी नहीं बाकी है। ऊपर देखो एमा। वाह, कैंडी का एक पूरा कैन। ऐसा लगता है कि सीधा स्वर्ग से उतर कर आया है, ऊपर से उपहार। मैंने हमेशा कैंडी के बारिश के सपने देखे हैं। इसे कहते हैं असली खुशी। लड़कियों, मैं शुरू करती हूँ। एक खट्टा नींबू, इसका ढक्कन खोलना ही नहीं चाहिए था। चलो मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा काटती हूँ, पूरा खाने से ज्यादा अच्छा है। ओह, कितना खट्टा है, मैं तो इसे देख भी नहीं सकती। जैस फिर भी मुझसे ज्यादा भाग्यशाली निकली, मुझे 3 नींबू मिले हैं। मैं जानती हूँ इसे मैं कैसे खा सकती हूँ। चलो गाना चलाओ। इसे क्या हुआ? मैं पागल हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। और ये नींबू तो उतने बुरे भी नहीं है। कितने रसदार। वाह, मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता मैंने पहले तुम्हें कभी ऐसे देखा है। फिर लगता है मैं ही केवल बची हूँ। इतने सारे नींबू से तो पूरे दुनिया की भूख मिटाई जा सकती है, लेकिन यह तुम्हें अकेले खाना होगा। मुझे पता है यह कैसे कर सकते हैं। देखो और सीखो दोस्तों, मैं इसे अच्छा और ताजा सा जूस बनाती हूँ। बस अच्छी मात्रा में चीनी डालना होगा। ब्लेंडर चालू करती हूँ और अब इंतजार। तो देखो हो गया। कमाल का लग रहा है। अब ग्लास में डालती हूँ। और अब अंत में थोड़ी सी बर्फ और एक सुंदर सी स्ट्रॉ। मैं लगभग अपने पसंदीदा हैट को भूल गई थी। लग रहा है कि तुम किसी शानदार रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने गई हो। बहुत बढ़िया। क्या अब आपने देखा कि छोटा प्लेट मिलना हमेशा बुरा नहीं होता है, और खाने का बड़ा प्लेट मिलना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है? कभी कभी हम जो उम्मीद करते हैं उसका उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वो साइज चुने जो आपके लिए सबसे सही हो। बाय दोस्तों।